मालवान हॉस्पिटल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू हो गया है पिलानी शहर में। जयपुर हिसार वाली सभी सुविधाएं अब पिलानी में उपलब्ध। पिलानी पुलिस अब इन दिनों अलर्ट पर है। पिलानी में बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस अब रोज बाइकों पर पूरी टीम के साथ गश्त कर रही है। शाम होते ही पिलानी की तंग गलियों और सुनसान रास्तों पर आवारागर्दी करने वालों के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। रोज शाम बाइकों पर पुलिस इन गलियों में गश्त कर रही है और अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। गश्त के बाद शहर में अपराधों में कमी देखने को मिली है। पिलानी में जो तंग गलियां हैं और ये सुनसान जगह जहां पर ये आवारागर्दी करने वाले लोग अक्सर बैठे रहते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए हमने पिछले करीब 1.5-2 महीने से ये बाइक गश्त शुरू करी है। तो हमने लगातार इसको जारी रखा है और जब से हमने बाइक गश्त शुरू की तब से जो छुटपुट घटनाएं हैं उन पर भी काफ़ी अंकुश लगा है। और जो हर वर्ष जैसे सर्दियाँ आती है वैसे ही चोरियाँ बढ़ जाती है, बाइक गश्त से हमारे इन चोरियों पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है। ऐसी कोई विशेष घटना हमारे इलाके में अभी हुई नहीं है और हम इसको बदस्तूर जारी रखेंगे। बिट्स पिलानी और IIT धनबाद के तत्वाधान में स्तुति प्रशिक्षण कार्यशाला का बिट्स पिलानी में आयोजन किया गया। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई एंड मशीनिंग सेंटर पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यशाला का संचालन प्रोफेसर श्रीकांत राउत राय, प्रोफेसर विजय के राउत और प्रोफेसर TC बेरा कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर LA कुमारा स्वामीदास, प्रोफेसर सौविक भट्टाचार्य व बिट्स निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बराई उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा है। बिट्स से मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है। आई ऑलवेज यूज टू फील, हमेशा मुझे लगता था कि बिट्स इज द बेस्ट, बिट्सियन आर द बेस्ट। तो ये हमेशा मुझे याद दिलाता था कि मुझे कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे बिट्स का नाम उजागर हो। ये भावना हमेशा मेरे अंदर थी और आज मुझे अचानक 26 साल बाद यहाँ आकर के एज ए चीफ गेस्ट यहाँ मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका मिला। ये जो प्रोग्राम है स्तुति प्रोग्राम BST का, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है टू ट्रांसफॉर्म इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी। पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। तो हम सबको भी दिमागी तौर पे बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव संभव है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से इंडिविजुअल में बदलाव आएगा, व्यक्तिगत रूप से बदलाव आएगा और उससे पूरी सोसाइटी में बदलाव हम ला सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य खुद सीख करके स्किल डेवलप करके पूरी सोसाइटी के लिए हम काम करें ताकि पूरी सोसाइटी में खुशियां बढ़े। एक्चुअली दिस प्रोग्राम इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग रिसर्च फैसिलिटी बाय फॉर प्रोवाइडिंग द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिसर्च पब्लिक्स through this equipments purchased through the fund of DST and in this particular program the morning section will be the theory about the equipment and the second half session will be the hands on training program we are providing and totally 7 days this program is going to be held in this Pilani.